कि शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ है। शुभेंदु अधिकारी भी उस वक्त काफिले में मौजूद थे, गाड़ी में मौजूद थे, ये बताया जा रहा है। उन पर भी हमला हुआ है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी आमने सामने हैं और आरोप ये है, खबर ये आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कि नंदीग्राम में बूथ कैप्चरिंग की गई है। बीजेपी के द्वारा बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर। और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी जो बूथ बूथ जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं, लगातार मीडिया कैमरे फॉलो भी कर रहे हैं, तस्वीरें भी हमने दिखाई है आपको कुछ देर पहले, उनके काफिले को निशाना बनाया गया है, उनके काफिले पर हमला किया गया है। यह कितना गंभीर हमला है, अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी आ गए फोन पर बता रहे हैं। अनुपम बताइए, क्या खबर आ रही है आपके पास इस हमले को लेकर? देखिए बिल्कुल रोहित, ब्लॉक एक जो है नंदीग्राम का, वहां पर शुभेंदु अधिकारी सुबह से ही बूथ बूथ का दौरा कर रहे थे, तो जब ताब्याचा इलाके के पास से वो गुजर रहे थे, रास्ते पर ही पथराव हुआ है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पहले ही निकल गई, लेकिन पीछे काफी सारी मीडिया की गाड़ियां हैं, तो उनमें कुछ गाड़ियों में इन पत्थर लगे हैं और उनमें तोड़फोड़ हो गई है, जो कांच है वो टूट गए हैं। हालांकि जो शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी थी, शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी आगे निकल गई, जो पीछे जो काफी लंबा काफिला था उसमें से कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, पत्थर फेंके गए हैं। दरअसल सड़क के दोनों ओर से पथराव किया गया है, ऐसे में शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी जो पहले थी वो तो पहले निकल गई, लेकिन पीछे की जो गाड़ियां थी वो उसकी चपेट में आ गई। साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस ने भी आरोप लगा दिया बड़ा नंदीग्राम में बूथ कैप्चरिंग का। जी बिल्कुल, सुबह से ही तृणमूल कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, नंदीग्राम ही नहीं पूरे पूर्व मिदनापुर में तृणमूल कांग्रेस की ओर से कई जगह आरोप लगाए जा रहे हैं। बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया जा रहा है और इसके अलावा स्पेशल फोर्सेस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो वोटर को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। ईवीएम पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईवीएम पर जगह फेल हो रहे हैं, तो इसके पीछे भी साजिश है और शिकायत भी दर्ज कराई गई है तृणमूल कांग्रेस की ओर से। तो ये आरोप प्रत्यारोप दौर सुबह से ही जारी है। तो अनुपम मिश्र हमारे सहयोगी बता रहे हैं नंदीग्राम से खबर, जहां आरोप तृणमूल कांग्रेस पर है। शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर पथरा हुआ, हालांकि शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी निकल चुकी थी। जयंत दादा, आप इस पर क्या कहिएगा? साथ साथ मैं पुलिस को और सीआईएसएफ को भेजा उसको रेस्क्यू करने के लिए। ये लोग मेरा सामने आने के लिए इसका कोई साहस नहीं है, ये पूरा ये सब पाकिस्तानी का काम है, ये सब जय बांग्ला नारा बांग्लादेश का नारा है। ये उस बूथ में कुछ वोटर है, खास करके एक समुदाय का, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ये लेके कर रहा है, इसलिए मैं बोध आया। मेरा सामने कुछ नहीं किया, मैं वापस जाने के बाद थोड़ी देर पहले किया। ये आप पूरा देश को जानना चाहिए, पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है। जय श्री राम। तो शुभेंदु अधिकारी को आपने सुना, उनके काफिले पर हमला हुआ है। मनीषा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं शुभेंदु अधिकारी की बात पर, बोलिए, उसके बाद जयंतों के पास चलते हैं। शुभेंदु जी तो सीधा सीधा एक समुदाय का नाम ले रहे हैं और जय बांग्ला और बांग्लादेश का नारा है से उस समुदाय को जोड़ रहे हैं, लेकिन अभी अभी सम्माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के एक अंग और हिस्सा बनकर के हमारे राष्ट्रीय नायक बनकर के उन्होंने अगुवाई की। उन्होंने ये भी बताया कि इस संग्राम के वो हिस्सेदार थे और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के स्तर पर समर्थक रहे। तो ये क्या बात है कि वही आइडियोलॉजी जो है नंदीग्राम तक पहुंचते पहुंचते उसका कुछ ऐसा नंदीग्रामिफिकेशन हो गया है कि ग्राम की आइडियोलॉजी अलग और राष्ट्र की आइडियोलॉजी अलग, तो ग्रामम गंतुम तृणम स्पृशति, कर क्या रहे हैं शुभेंदु अधिकारी जी? किधर की आइडियोलॉजी है वो तो अपनी कुछ बात बोल जा रहे हैं। बांग्लादेश को लेकर जय बांग्ला से परहेज क्या?